नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन में बिना टिकट कैंसिल किए हम अपनी यात्रा की तिथि को कैसे बदल सकते हैं। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए नए नियम बनाता रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने एक और नया नियम लागू किया है, जिसके तहत रेलवे ने बताया है कि अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते हैं लेकिन कई बार एन मौके पर प्लान बदल जाता है, ऐसे में आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन रेलवे के नए नियम के अनुसार आप अपनी ट्रेन यात्रा को प्रीपोन्ड यानी कि यात्रा से पहले या फिर पोस्टपोन्ड यात्रा के बाद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। यात्रा से पहले अगर आप यात्रा की तिथि को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत रेलवे ने दोनों तरीकों के बारे में बताया है। कहा गया है कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया गया है कि यात्री मूल बोर्डिंग स्टेशन मैनेजर को लिखित में एप्लीकेशन देकर या फिर ट्रेन के छूटने के कम 24 घंटे पहले किसी भी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर यात्रा के बोर्डिंग स्टेशन को बदलवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन की वेबसाइट की माने तो स्टेशन काउंटर से बुक की गई टिकट की यात्रा की तारीख से पहले या फिर यात्रा की तारीख के बाद में आप अपने टिकट को सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं, भले ही सीटों की उपलब्धता कन्फर्म हो या फिर RAC हो या फिर वेटिंग में हो। यात्रा की तारीख को आगे बढ़ाने या पहले करने के लिए यात्री को रिजर्वेशन ऑफिस जाकर ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले अपना टिकट सरेंडर करना होगा। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि यह सुविधा सिर्फ ऑफलाइन टिकट में मिलने वाला है, ऑनलाइन टिकट में इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि आप कन्फर्म RAC वेटिंग टिकट में यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार इन टिकटों पर यात्रा की तारीख निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसी श्रेणी या फिर उच्च श्रेणी में या फिर किसी डिस्टिनेशन के लिए यात्रा की तारीख से पहले या फिर यात्रा की तिथि के बाद भी की जा सकती है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि रेलवे यात्रियों को अपनी यात्रा विस्तार करने, अपनी यात्रा को बोर्डिंग स्टेशन को बदलने और अपने टिकटों को उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की भी अनुमति देता है। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया है कि कुछ सुविधाएं केवल ऑफलाइन टिकट के लिए लागू है, कई में यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के नियम लागू होते हैं। रेलवे ने अपने नियमों को लेकर यह भी बताया है कि अगर आप यात्रा के दौरान आप यह चाहते हैं कि आपकी यात्रा को निर्धारित स्टेशन से आगे बढ़ा दिया जाए तो इसके लिए आपको गंतव्य स्थल तक पहुंचने से पहले या फिर सफ़र के पूरा होने के बाद टिकट चेकिंग स्टाफ से संपर्क करना होगा और यात्रा विस्तार को लेकर आपको पूरी जानकारी साझा करनी होगी। आपको बता दें कि रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नियमों में बदलाव करता रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने नए नियम बनाए हैं, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। खासकर टिकटों को लेकर सबसे ज़्यादा यात्रियों की समस्या होती है, तो ऐसे में रेलवे ने टिकटों को लेकर एक बड़ा ही सुंदर एक तरह से कहने के नियम बनाया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि आप अपने बोर्डिंग स्टेशन में अगर आप चाहते हैं कि उसे जिस दिन आपकी यात्रा करनी है यानी कि आपको मान लिया जाए किसी तारीख निर्धारित तारीख को यात्रा करना है और आप उस दिन यात्रा नहीं कर पा रहे हैं या तो उससे पहले या तो उसके बाद आपकी यात्रा की इच्छा है तो आप जो है उस तारीख को बदल सकते हैं। रेलवे का यह नियम हो सकता है यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।